हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड एंड डिज़ाइन। मेरा नाम रवि है और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को हम सिक्योर कैसे कर सकते हैं ताकि उसको हैकर्स हैक ना कर पाए और कोई ब्रूट फोर्स ना लगा पाए। तो चलिए हम देखते हैं वो कौन सा ऑप्शन है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन। तो जैसे कि एक वर्डप्रेस वेबसाइट है, इसको मैंने ऑन कर लिया। तो जब भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, जो वर्डप्रेस जानते हैं कि हम /wp-admin लिखेंगे, wp-admin लिखेंगे तो हमको लॉगिन पैनल मिल जाएगा जहाँ से हम लॉगिन कर सकते हैं। तो ये इसको हम हाइड करना चाहते हैं, तो इसको हम कैसे हाइड करेंगे? तो बहुत हद तक आपका वर्डप्रेस सिक्योर हो जाएगा, जिससे कि लोग ब्रूट फोर्स नहीं लगा सकते, बार बार ट्राई नहीं कर सकते, लॉगिन अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो अगर हम इस ऑप्शन को गायब कर दें कि wp-admin लिखने पे, wp-login लिखने पे ये ऑप्शन आए ही ना, तो वर्डप्रेस ऑब्वियसली काफ़ी हद तक सिक्योर हो जाएगी आपकी। तो चलिए हम देखते हैं कि हम कैसे करते हैं। सबसे पहले तो जैसे ही wp-admin लिखा मैंने, तो ये लॉगिन पैनल आ गया, तो हम लॉगिन कर लेते हैं अपने क्रेडेंशियल के साथ। लॉगिन करके हम डैशबोर्ड पे आते हैं। ये हमारा डैशबोर्ड आ गया और डैशबोर्ड पे आने के बाद हम आते हैं प्लगइन में आने के बाद ऐड न्यू प्लगइन पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है हमको, हम सर्च करते हैं wp-hide-login, सिर्फ हाइड लॉगिन लिखते हैं हम यहाँ पे। तो जैसे ही हम हाइड लॉगिन लिखते हैं तो बहुत सारे प्लगइन्स निकल के हमारे सामने आते हैं। तो हम ये wp-hide-login को इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि देखेंगे कि जिस पर रिव्यूज़ ज़्यादा है, जिसके स्टार्स अच्छे हैं, जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन है, उन सारे प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे। तो प्लगइन्स भी कोई सा भी हम इंस्टॉल नहीं करेंगे, जिससे वर्डप्रेस हमारा सिक्योर रहे। तो फिलहाल हम wp-hide-login को इंस्टॉल करके एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट करने के बाद हम सेटिंग में आते हैं, अपने लेफ्ट साइड बार पे सेटिंग में आने के बाद wp-hide-login का ऑप्शन हमको शो कर रहा है हमको। हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है लॉगिन, हम ये URL चेंज कर देंगे। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट अपना wp-admin होता है, हम इसको चेंज करके कोई भी नाम दे देंगे, जैसे कि आप अपना नाम दे सकते हैं या फिर कुछ और लिख सकते हैं यहाँ पे। तो फिलहाल मैं लिखता हूँ हम ऐसा URL देने की कोशिश करेंगे जो किसी के पकड़ में ना आ पाए। तो जैसे कि मैंने लिखा CODE कोड, स्पेलिंग बार बार चेक कर लेंगे, कोड एंड डिज़ाइन, कोड एंड डिज़ाइन लॉगिन, और हम सेव चेंजेस करते हैं और ये हमारा सेव चेंज हो गया। अब एक बार ट्राई करते हैं, एक न्यू विंडो ओपन करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, पहले वेबसाइट का नाम लिखते हैं, वेबसाइट ओपन हो रहा है हमारा अब, /wp-admin। ये 404 को रिडायरेक्ट कर रहा है, मतलब अब हमारा लॉगिन पैनल हाइड हो गया। तो ऑब्वियसली हमारा कोई किसी को वो गेट ही नहीं मिलेगा जिससे वो घर के अंदर घुस पाए, तो वेबसाइट तो सिक्योर ही हो गया ना हमारा। तो हमने काफ़ी हद तक सिक्योर कर लिया। अब हम चेक करते हैं हमने जो URL डाला था, तो ये आ गया हमारा कोड एंड डिज़ाइन लॉगिन पे। तो ऐसे ही आप अपने सिक्योर नाम से ही एक लॉगिन सेट कर लें, जिससे कि आपका वेबसाइट सिक्योर हो जाएगा। अभी जस्ट मैं लॉगिन करता हूँ और इससे हमारा लॉगिन हो रहा है। अब कभी भी आपको चेंज करना है तो वापस से सेटिंग में जाएंगे, wp-hide-login में जाएंगे, आप रिमूव कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। जो भी नाम आप यहाँ पर डालेंगे वो आपका लॉगिन पैनल के लिए लॉगिन URL बन जाएगा। तो जो भी नाम आप यहाँ पे डालेंगे वो आपका लॉगिन URL बन जाएगा और सेव चेंज करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोस लेकर आता रहूँगा आपके लिए। इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।